तो बाबा साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया जो बाबा साहब का सब गुणगान करते हैं? बाबा साहब ने हमें इंसान बना दिया। पहले हमारी गिनती जानवरों से भी बदतर होती थी, हमें पीने को पानी नहीं मिलता था, कुआं होता था, बाल्टी होती थी, लेकिन हम दिन भर इस इंतज़ार में बैठे रहते थे कि कोई आएगा और पानी पिलाएगा। लेकिन आज हम अपनी मर्जी से पानी पी सकते हैं, अपनी अच्छे घरों में रह रहे हैं और अच्छी नौकरियों में बाहर बैठा गया था। उन अकेले बाबा साहब ने हम लोगों को अपने बच्चे ख़त्म करके जो आरक्षण दिया है या जो सुविधाएँ दी हैं, हम उनका अपना जीवन दे करके भी रक्षा करेंगे। कि बाबा साहब कौन थे, क्योंकि उससे पहले बाबा साहब को जो है बीजेपी वालों ने या इन मनुवादियों ने मृतप्राय कर दिया था। इनका जो है कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन साहब कांशीराम ने खुद पढ़ के हम लोगों को तैयार किया। और मुझे गर्व है कि मैं सन 78 से बीएसपी के बनने से पहले से बहुजन समाज पार्टी की मां के रूप में काम कर रहा हूं। पार्टी बनने से पहले आप डीएस फोर्स से भी पहले काम कर रहे हैं हम। तो आपकी अभी मन इच्छा क्या है, आप कब तक काम करेंगे? आप शासन करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ अंबेडकरवाद चल रहा है और एक तरफ ब्राह्मणवाद चल रहा है, तो आप ब्राह्मणवाद से कैसे टक्कर लेंगे आप? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक भारत में बहुजन समाज पार्टी का शासन नहीं आ जाता, मैं मरूंगा।